नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं दुकान में बिक्री वृद्धि के हेतु खास टोटके और वर्ष भर में लाभ होने के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। ये जो हमारे टोटके हैं ये बहुत पुराने हैं, एक पत्रिका में छपे थे 2005 में, ये रही 2005 में। तो चलिए चलते हैं दुकान की वृद्धि के लिए। दुकान की बिक्री में वृद्धि के हेतु यदि आप व्यवसाय में कुछ कमी आ गई है तो अमावस्या की संध्या को हाथ में एक सुपारी लें एवं तांबे का सिक्का ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखावें। सोमवार को उस वृक्ष का एक पत्ता लाकर गद्दी के नीचे रखें तो ग्राहकों में वृद्धि निरंतर होती रहेगी। बहुत खास टोटका है। दूसरा है वर्ष भर समृद्धि के हेतु, ध्यान से सुने, कोई बात समझ ना आवे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अमावस्या या शुक्ल पक्ष के पहले प्रथम शुक्रवार की रात्रि में मां लक्ष्मी का पूजन करवावें। पूजन के समय लाल अकीक स्टोन होते हैं, जो लाल अकीक की श्रद्धा से पूजा करें। इसके पश्चात आप इसे धारण करें। ऐसा करने से वर्ष भर समृद्धि प्राप्त होती है, समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। तीसरा उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति के हेतु, सर्वप्रथम एक लाल रेशमी वस्त्र लें, उस पर अष्टगंध की शाही से अनार की कलम से मंत्र लिखें, जिस प्रकार है। मंत्र है ओम श्री ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्मी स्वरूपाय एकाक्षी नारिकेलाय। देखो एकाक्षी नारिकेलाय, एकाक्षी नारियल छोटा सा होता है, एकाक्षी नारिकेलाय नमः सर्वसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख के पढ़ सकते हैं। एक बार और हम आराम से बोलकर बता देते हैं, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्मी स्वरूपाय एकाक्षी नारिकेलाय नमः सर्वसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को लिखना है और इस मंत्र को लिखित लाल रेशमी वस्त्र को एक चौकी पर बिछाकर उस पर शुद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ अभिमंत्रित एकाक्षी नारियल को स्थापित कर दें। अब नारियल की पूजा अर्चना करें, शक्ति अनुसार लिखित मंत्र का जप भी करें जो ऊपर बोला है। इस प्रकार मां लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। एकाक्षी नारियल भाग्यशाली घर के घरों में होता है। प्रयोग अमावस्या को शुरू करें, ये प्रयोग है जो आपको अमावस्या को शुरू करना है। आय में वृद्धि के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में 8 गोमती चक्र, 8 कोड़ी, 8 लाल गुंजा भी रखें। इन्हें दक्षिणावर्ती शंख में थोड़े से साबुत चावल डालकर स्थापित कर दें। रात्रि में उन्हें नवीन लाल रेशमी कपड़े में बांधकर, मतलब नवे लाल कपड़े, रेशमी कपड़ा हो लाल, बांधकर घर या व्यवसाय स्थल की तिजोरी में स्थापित कर दें। आय में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। बहुत ही चमत्कारी टोटके। अगली वीडियो में बताएंगे वास्तु दोष के, पति पत्नी के संबंध और संतान के लिए। तो आज के लिए हमारे थे व्यापार लक्ष्मी समृद्धि के हेतु टोटके, इनको जरूर करें। ये बहुत पुरातन टोटके हैं और ये हमारे छपे थे 2005 में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, कोई बात समझ ना आए कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। धन्यवाद। महालक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखें।